1970 के दशक में प्लास्टिक इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा था। उस समय लोग लोहे की बनी चीजों पर भरोसा करते थे। 95% लोगों ने इस इंडस्ट्री को नकार दिया, केवल 5% लोगों ने इस पर भरोसा किया। आज वो 5% करोड़पति हैं। इसी प्रकार 1980 के दशक में कंप्यूटर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई। लोगों ने इसे भी यह कहकर नकार दिया कि एक मशीन 6 इंसानों का काम अकेले कर देगी, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। 95% लोगों ने इस इंडस्ट्री को भी नकार दिया, केवल 5% लोगों ने इस पर भरोसा किया। आज वो 5% लोगों को दुनिया जानती है। ऐसे ही 1990 के दशक में टेलीकॉम इंडस्ट्री आई और इसे भी लोगों ने नकार दिया और आज टेलीकॉम इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान में धमाल मचा रखा है। दोस्तों, वर्ष 2000 में MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का व्यापार के रूप में उभर कर सामने आया है। सन 2000 से ही सकी शुरुआत हुई थी और सन 2010 से यह सफल बिजनेस बन गया है। सन 2025 तक जो इस बिजनेस को करेगा उसके पास समय, पैसा, आजादी, अच्छी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जीवन के सारे सुख होंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, 5% या 95%। MLM एक ऐसी चीज है जहां साबित हो चुका है पैसा कमाना आसान है। सीक्रेट रूल फॉर MLM, यू गेट 100% सक्सेस 80:20 का सिद्धांत। पेरेटो के नियमानुसार 1 लीटर दूध है तो उसमें से 200 ग्राम ही खोया निकलेगा। रेल में अगर 25 डिब्बे हैं तो लगभग 5 डिब्बे AC के होंगे। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारी बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में भी 100 में से 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे। हमको दिल छोटा नहीं करना है। एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में यह बताया है कि 10:7:4:1 का रेशियो काम करता है। 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग बात करेंगे और उनमें से 4 लोग आपकी बात सुनेंगे और उनमें से केवल 1 व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है। SW रूल्स, सम विल कम, कुछ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार में हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, इसलिए काम शुरू करो। खेती में भी किसान के 100% बीज नहीं उगते। क्रिकेट खिलाड़ी को हर बॉल पर विकेट नहीं मिलती, करीब 30 बॉल पर 1 विकेट की एवरेज आती है। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, बात यह नहीं है आप असफल हो गए, बल्कि बात यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उसके पहले वे 10,000 बार असफल हुए थे। एडिसन ने सोच लिया था कि हर असफलता उन्हें सफलता के ज्यादा करीब ला रही है। आप तो बस लोगों को सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखाते जाएं और रिजल्ट की चिंता न करें तथा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो। आपको तो बस लोगों को जानकारी देते रहना है, वे जुड़ेंगे या नहीं उसकी चिंता ना करें। आप तो एक ही काम करें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस आप डटे रहें। कब आप MLM हीरो बन जाएंगे? ऑडी, BMW आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।